न्यूज नेशन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम बड़ी खबर और बड़ी कवरेज पर बने हैं कि कैसे चीन ने पैसा लगाया, पाकिस्तान ने साजिश रची और नेपाल की जमीन का इस्तेमाल हुआ है हिंदुस्तान को अस्थिर करने के लिए। इंडो नेपाल बॉर्डर के मदरसों पर अब हम दूसरा बड़ा खुलासा करेंगे। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। दूसरा बड़ा खुलासा यह है कि नेपाल के नेपालगंज से न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ी चीज सामने आई है, बड़ी बात सामने आई है कि नेपालगंज में इस्लामिक संघ नेपाल के मदरसे पर पहुंचा है न्यूज नेशन। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है इस्लामिक संघ। नेपाल भारत के भगोड़े आतंकियों को बना देता है। इस्लामिक संघ नेपाल वाकई में दावत इस्लामिया के मदरसे तक न्यूज नेशन के रिपोर्टर पहुंचे। दावत इस्लामिया के मदरसे से भारत विरोधी साजिश रची गई है। नेपाल में पाकिस्तानी दूतावास के इशारे पर काम करने का शक है कि ये सब कुछ जो नेपाल में किया गया वो पाकिस्तानी एम्बेसी के इशारे पर उसके अंडर में ये सब कुछ किया गया। एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी साजिशों की हवा निकल रही है। पाकिस्तान के आतंकी प्यादे कश्मीर घाटी से लेकर एलओसी पर बेमौत मारे जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद की सप्लाई के लिए नेपाल को चुना, जिसकी भारत से खुली सीमा है, और इसी का फायदा उठाने के लिए आईएसआई ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर जिहादी मदरसों का जाल फैला दिया, वो भी तब जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम आबादी भी नहीं है। भारत नेपाल की सीमा पर 100-200 नहीं, हजारों की तादाद में इस तरीके से मस्जिद और मदरसों का निर्माण हुआ है। अगर थोड़े बहुत हों तो बात शायद न उठे, लेकिन अब ये सवाल लोगों के द्वारा उठाया जाने लगा है कि आखिर वजह क्या है कि इस तरीके से नो मैंस लैंड पर मस्जिद और मदरसों का निर्माण हो रहा है। आखिर ये कौन से लोग कराते हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में इतनी मुस्लिम बस्ती नहीं है कि वहाँ के बच्चों को बुलाकर वो पढ़ा सकें। हालांकि वो दावा करते हैं कि उनके यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन रिकॉर्ड मांगने पर कभी रिकॉर्ड दिखाते भी नहीं है। नेपाल से मदरसे के मुखौटे में आतंक की नर्सरी। पहले भी जो ये नेपाल के बॉर्डर है वो सिमी से की एक्टिविटी से वो था, अब जो है उधर भी नेपाल में भी जो इस्लामिक संघ नेपाल आईएसएन नाम की संस्था है जो हमारे बॉर्डर के इलाके में काफ़ी सक्रिय रहता है। वैसे तो वो सामाजिक संगठन बताते हैं, सामाजिक कार्य में है, लेकिन उनके कई गतिविधियां ऐसे पाई गई है या देखी गई है जो कि उतना हमारे देश के लिए वो हितकारी नहीं है। इस प्रॉब्लम की तरफ थोड़ा सा भी अगर समझना चाहेंगे तो हमको याद रखना चाहिए 1988 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जियाउल हक के द्वारा प्रपोज्ड ऑपरेशन टोपाक को, जो भारत के विरुद्ध एक दीर्घकालीन रणनीतिक योजना थी। भारत को आप डिसइंटीग्रेट कीजिए, बहुत सारे टुकड़ों में उसको बांटिए। भारत में अशांति फैलाने के लिए नेपाल से कट्टरपंथ और आतंकी साजिशों को अंजाम देने वाले जिहादी संगठनों में इस्लामी संघ नेपाल के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है दावत इस्लामिया का, और ये इमारत उसी दावत इस्लामिया की है। यहाँ तक आप आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन न्यूज नेशन के जाबाज रिपोर्टर धीरेन्द्र पुनीर आतंक के इस दूसरे हेडक्वार्टर के बेहद करीब पहुंचे। जैसे ही भारत का बॉर्डर पार करते हैं, आप बॉर्डर पार कर बहराइच कर रुपया बॉर्डर पार कर यहाँ पहुँचते हैं, ये वो सबसे बड़ा मदरसा है यहाँ उस समय, जहाँ आपको अगर हम लोग यहाँ नेपाल गए हैं यहाँ से देखेगा कि ये मदरसा आपको जो दिखाई दे रहा है ये मदरसा वो है जहाँ पाकिस्तान से लगातार आईएसआई के लिए। ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद हैदरी साहब, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। उम्मीद ये करता हूं कि आपने इस हमारी दूसरी रिपोर्ट और दूसरे बड़े खुलासे को बड़े ध्यान से देखा होगा, सुना होगा एक एक शब्दों को। आप मजहब को बीच में लेकर आते हैं, हमारा मकसद मजहब को नुकसान ठेस पहुंचाना नहीं है, धार्मिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाना नहीं है, लेकिन जो बातें हमारी पड़ताल में सामने आई उस पर सवाल तो उठाएंगे हम। अगर नो मैंस लैंड में अगर मस्जिद बन जाए, अगर मदरसा बन जाए, अगर आसपास मुस्लिम बस्तियां नहीं है वहां पर मदरसा बन जाए तो सवाल तो उठेगा, फिर आप मजहब को बीच में लेकर आ जाते हैं। देखिए देखिए जनाब, एक सीधी सी बात है, अगर आपका घर मजबूत हो तो पड़ोसी हांडी में क्या पका रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ोसी क्या जला रहा है उससे क्या ही फर्क नहीं पड़ता। पिछले 70 वर्षों से भारतवर्ष अगर मजबूत था, पिछले 6 सालों में ऐसा क्या हो गया कि नेपाल जैसी मेंढकी को भी जुकाम हो गया,
अब आज नेपाल भी हमें मुंह दिखा रही है, चाइना जैसा मुल्क हमारे देश के अंदर आज लद्दाख में आके बैठा हुआ है। आप तो आतंक की बात करें जो शायद कभी देश में है, लेकिन आज तो चाइना का आतंक लद्दाख के अंदर आ चुका है। तो मेरा नहीं, माजिद हैदरी साहब, मैं आपसे आतंक पर बातचीत कर रहा हूं, मैं आपसे मदरसे पर बातचीत कर रहा हूं, आप उठकर चीन पर चले गए, आप लद्दाख में चले गए। मैंने आपसे सीधे से सवाल पूछा कि अगर नो मैन्स लैंड में मदरसा बनेगा तो सवाल उठेगा कि नहीं, अगर आसपास मुस्लिम बस्तियां नहीं है वहां पर मदरसा चलेगा तो सवाल उठेगा कि नहीं। देखिए जनाब, हमारी हालत 6 वर्षों में इतनी कमजोर हो गई है। नहीं नहीं, 6 वर्षों उससे पहले मदरसों पर सवाल नहीं उठे माजिद हैदरी, उससे पहले 6 सालों से पहले मदरसों पर सवाल नहीं उठे। देखे 6 साल से पहले मदरसों पर सवाल क्यों नहीं उठे, आपने सही बात की, वो सबों को पता है। नहीं नहीं, सवाल उठे 6 वर्षों से, सवाल उससे पहले भी उठे, सवाल नहीं उठा, सवाल उससे पहले भी उठे माजिद हैदरी। मदरसे ने नहीं किया था मालेगांव ब्लास्ट, मदरसे ने नहीं किया था मक्का मस्जिद ब्लास्ट, मदरसे ने नहीं किया था महात्मा गांधी की हत्या, मदरसे से नहीं हुई थी। नहीं नहीं, आप लोगों के साथ यही दिक्कत है माजिद हैदरी, आप लोगों के साथ यही दिक्कत है माजिद हैदरी, आप लोगों के साथ यही दिक्कत है। अगर इस्लामिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ पर बातचीत हो तो आप उस पर बातचीत नहीं करना चाहते, आप उस पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। विनोद बंसल, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट माजिद हैदरी साहब, दूसरों को भी सुनिए, मैं अभी तक विनोद बंसल के पास नहीं गया हूं। विनोद बंसल साहब, बात यहां पर कट्टरपंथ की हो रही है, इस्लाम को बीच में लेकर आ जाते हैं, बात यहां पर आतंकवाद की हो रही है, चीन पर चले जाते हैं, मदरसों पर सिर्फ चर्चा हो रही है, तो इतना हंगामा, अगर कार्रवाई होगी तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन के साथ में आपके जो जावाज और वरिष्ठ पत्रकार हैं विकास चंद्रा और उनके जो सहयोगी हैं दूसरे रिपोर्टर, उनकी हिम्मत को दाद देता हूं कि ऐसी जगह पर जाकर के उन्होंने ये एक देश को रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मैं नतमस्तक हूं आपकी टीम के ऊपर। दूसरी बात यह कि देखिए विकास जी की रिपोर्ट और हमारे जो IPS बैठे हुए हैं उनका उनका एक बड़ा पुराना अनुभव, ये दोनों मिलकर के इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आखिरकार जो न्यूज नेशन ने सोचा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है, वही आज धरातल पर आ गया सामने। आप देखिए जो इस्लामिक जिहादी संगठन है उनकी एक ही स्ट्रेटजी है, अभी आप नेपाल के बॉर्डर पर गए हो, थोड़ा सा और आगे चलोगे तो और वो जो अपना बांग्लादेश का बॉर्डर है उस पर भी इसी तरह से कुकुर मुत्तों की तरह हो गए हैं सारे सारे इस्लामिक जिहादी। वो इस्लाम को बीच में लेकर आ गए, वो चीन पर चले गए, वो लद्दाख में चले गए। जी ये देखिए विक्टिम कार्ड खेलना इनकी पुरानी फितरत है और ये हमेशा से जो है ना ये जब जब इनको ऊपर को चोट पड़ता है तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा। लेकिन आपको याद होगा कि इसी तरह की जो नेता हैं वही इस्लाम की ओवरऑल जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव वो बना रहे हैं। आप देखिए आखिरकार इस्लाम के नाम पर जो जिहादी आतंकवादी संगठन चलते हैं, मोहम्मद साहब के नाम पर जो आतंकवादी संगठन चलते हैं, उन पर ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनको उनको सूट कर रहा है, उनके कुरान की आयतों को सूट कर रहा है और इनके जो जिहादी मानसिकता है उनको सूट कर रहा है। लेकिन जब मदरसों की बात आती है कि जहां नो मैन्स लैंड है, जहां बच्चे पढ़ने वाले नहीं है और आपने मदरसे खोल लिए, एक बात। दूसरी बात और मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि वैसे तो कहते हैं कि भारत में विनोद जी मैं आपके पास आता हूं, विनोद जी मैं आपके पास आता हूं, हमारे दो सहयोगियों विकास चंद्रा और धीरेन्द्र पुंडीर ने यह पूरी पड़ताल की है। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके पास कुछ और नई ज्यादा जानकारियां हैं। धीरेन्द्र बताइए। देखिए पूरी जो राकेश पूरा लेटेस्ट जो रिपोर्टें हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं खुफिया एजेंसीज के साथ कि इस पूरे कोरोना काल के दौरान उन्होंने कोरोना मदद के नाम पर इस्लामी नेपाल संघ ने बाकायदा इस तरह के संगठन खड़े किए, लोगों को खड़ा किया और उनसे कन्वर्जन के साथ साथ इंडिया के पेनिट्रेशन पर बात की। इसके दूसरी जो सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये है राकेश कि हर शुक्रवार को इस्लामी नेपाल संघ की जो भी दरगाह जो हम लोग शूट कर रहे थे, जो मस्जिद जो मदरसे हम लोगों ने शूट किए जो मदारिस नेपाल के उस तरफ है, उन मदरसों में हर शुक्रवार को बाकायदा सेमिनार के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ तकरीरें की जाती हैं और उसमें यह बताया जाता है किस तरह से पेनिट्रेट करेगा। बल्कि मैं आपको यह सूचना देना चाहूंगा कि इस बात का पूरा इंटेलिजेंस एजेंसीज को अंदेशा है कि इसके बाद वो नेपाल के मदद से जो नेपाल के लोग यहाँ हैं अलग अलग, चूंकि हमारे बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता था, उसी रिश्ते के आड़ में अब नेपाल की मदद से जो देश के अंदर के हिस्सों में जो आपने अभी बॉर्डर पर जो हमने दिखाया जो या जो न्यूज नेशन दिखा रहा है कि किस तरह से नो मैन्स लैंड पे हमने आप मिरर डिप्लॉयमेंट देखते हैं, लगभग उसी तरह का देश के अलग अलग हिस्सों में करने की योजना है। माफ करना,
जी धीरेन्द्र, धीरेन्द्र आप अपनी बात पूरी करें, लेकिन जो बड़ी बातें आपने कही हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में सेमिनार का आयोजन होता है। इन सेमिनार में का आयोजन इस्लामिक संघ नेपाल करता है। इन सेमिनार में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया जाता है, मदरसों में भारत विरोधी विचारों को प्रसारित किया जाता है। इस्लामिक संघ नेपाल भारतीय क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कोविड-19 की मदद के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उनकी आड़ में अपने एजेंडा को साधने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा है धीरेन्द्र। देखिए, इसके अलावा मैं राकेश एक और भी बड़ी चीज बताता हूँ, जो कि अभी जानकारियों के मुताबिक है कि जो इस्लामी संघ नेपाल है वो वैध अवैध तरीके से जो रोहिंग्या मुसलमान वहां रह रहे हैं, जो भी अवैध और वैध तरीके से हैं, उन सब की मदद के नाम पर अलग अलग प्रोग्राम चलाए। उन प्रोग्रामों में भी उनको इस बात के लिए तैयार किया गया कि कैसे वो हिंदुस्तान के खिलाफ या जो बाकी धर्म है उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बड़ी चीज रही। जो नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं उनमें कोरोना महामारी में मदद के नाम पर बाकायदा विचारधारा का वो किया गया प्रचार। और चूंकि मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा, हम लोगों ने दिखाया किस तरह से जो नेपाली जो इस्लामी नेपाल संघ है उसकी वेबसाइट पे पहला वही है कि वो एक इस्लामिक राष्ट्र में बदलना चाहते हैं नेपाल को। लेकिन ये बात अब इंडियन एजेंसी के हिसाब से बड़ी अलग बात है, क्योंकि वो इस समय धीरेन्द्र आपने बड़ी बात कही है। धीरेन्द्र आपने बड़ी बात कही है। वाजिद हैदरी, एक क्विक कमेंट आपका, क्योंकि आप लगातार जो बातें कर रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, देश के लिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज आप नेपाल पर मत जाइएगा, प्लीज आप चीन पर मत जाइएगा, पाकिस्तान पर मत जाइएगा। अगर किसी मस्जिद में सेमिनार का आयोजन होता है, अगर उस सेमिनार में देश के खिलाफ बातें होती हैं, अगर उस सेमिनार में हिंदुस्तान के खिलाफ बातें होती हैं, तो क्या ऐसे मदरसे बैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्या आप अपने गिरबान में झांकेंगे कि कहीं किसी कोने में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा? देखें जनाब, नेपाल विश्व का वाहिद हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र की सरकार वहां का सबसे बड़ा मंदिर होती है। तो नेपाल के सबसे बड़े मंदिर ने कह दिया है कि हम भारत पे हल्ला बोल रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप नेपाल पर मत जाइएगा, आप चीन पर मत जाइएगा, आप पाकिस्तान पर मत जाइएगा। मैंने आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश की कि देश की सुरक्षा के लिए आप बातचीत करिए, एक देशवासी के तौर पर बातचीत करिए कि अगर किसी मदरसे में आपके मुल्क के खिलाफ अगर किसी मदरसे में आपके मुल्क के खिलाफ बातचीत होगी तो आप मदरसे के साथ खड़े रहेंगे या मुल्क के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं तो अपने राष्ट्र के साथ खड़ा हूँ। बोलिए कि अगर किसी मदरसे में कमजोर क्यों, बोलिए कि अगर किसी मदरसे में आपके मुल्क के खिलाफ बातचीत हो तो वो मदरसा बंद होना चाहिए। आप बोलिए फिर ये बात, अगर आप देश के साथ हैं तो। मदरसा नहीं, मैं तो कहता हूँ यहाँ की सत्ता बदल देनी चाहिए, जिस सत्ता ने हमारे को इतना कमजोर बना दिया। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इनका दर्द यही है, सप्ताह ने हमारे बांग्लादेश हमारे आगे चला गया, नेपाल आगे चला गया, इस्लामिक आतंकवादियों को खुला छोड़ देना चाहिए, यही है इनके मन। देखिए, और आप रोहिंग्या को बदल देना चाहिए, बदल देना चाहिए, ये भी इंसान है, पाकिस्तानियों को भारत बर्बाद करने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये लोग उनका समर्थन करते रहेंगे, हिंदुस्तान में आ सकता है। एक मिनट विनोद बंसल, एक मिनट, और माजिद हैदरी आप भी थोड़ा सा शांत हो जाइए, आप भी थोड़ा सा शांत हो जाइए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने आपसे सीधे एक सवाल पूछा कि अगर किसी मदरसे में मुल्क के खिलाफ बातचीत होती है तो आप क्यों नहीं रह सकता? अगर एक मिनट माजिद हैदरी, आप शांत रहिए, माजिद हैदरी शांत रहिए। मैं अपने शो में देश के खिलाफ एक बात स्वीकार नहीं करूंगा, कान खोलकर सुन लीजिए आप। मैंने आपसे सीधे सवाल किया कि अगर किसी मदरसे में मुल्क के खिलाफ बातचीत होती है तो आप मदरसे के साथ खड़े हैं या मुल्क के साथ खड़े हैं? आपसे सीधा जवाब नहीं दिया गया। ये आपकी राष्ट्रीयता है, ये आपकी राष्ट्रभक्ति है, ये आपकी देशभक्ति है? नहीं नहीं, ये आपकी देशभक्ति है? आप रोहिंग्याओं पर चले जाते हैं, देश कोई धर्मशाला है क्या? मुसलमान क्यों नहीं, हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। नहीं नहीं, माजिद हैदरी साहब, आपकी बात गलत थी, मैं ताल ठोक के कहता हूं कि आपकी बात गलत थी, मैं उसे अपने शो में स्वीकार नहीं कर सकता। किसी भी देश के कोने में, किसी भी संस्थान में अगर मेरे देश के खिलाफ बातचीत होगी तो मैं उस संस्थान के खिलाफ नहीं हो सकता हूं, मैं देश के साथ रहूंगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। लगातार हमारा ये बड़ा खुलासा जारी है, लगातार हमारी बड़ी खबर, बड़ी कवरेज जारी है कि कैसे मदरसों का इस्तेमाल भारत नेपाल बॉर्डर पर हो रहा है देश के खिलाफ। और इससे जुड़ी साजिश में जो बड़ा नया खुलासा हुआ है कि जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में सेमिनार का आयोजन किया जाता है।
इस्लामिक संघ नेपाल इन सेमिनार का आयोजन करता है और इस सेमिनार में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार किया जाता है। मदरसों में भारत विरोधी बातें की जाती हैं, भारत विरोधी विचारों को प्रसारित किया जाता है। इस्लामिक संघ नेपाल भारतीय क्षेत्रों में अपना दायरा बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के नाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों में भारत के खिलाफ बातचीत होती रही है। लगातार हमारे दो सहयोग वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर और विकास चंद्रा सीमावर्ती इलाकों में गए और वहां पर उन्होंने ये बड़ी पड़ताल की है, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। तो ये बड़ी तस्वीर हमने आपको दिखाई है कि कैसे मदरसों में इस्लामिक शिक्षा की आड़ में भारत विरोधी बातें हो रही हैं, कैसे कट्टरपंथी विचारों को प्रसारित किया जा रहा है। लेकिन दुख तब होता है जब इसे स्वीकार करने, इसे सुधारने के जगहों पर दलीलें दी जाती हैं, उल जुलूल तर्क दिए जाते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। हम लगातार बड़े खुलासे करते रहेंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मसला है। तमाम हमारे सहयोगी लगातार बने रहेंगे।